हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यूज। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ और कोल इंडिया में यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि 7 to 8 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे प्रिपरेशन इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के करना है, तो आप लोग भी इसको बताने के बाद एक बार ज़रूर पढ़िएगा अपने बुक से, ताकि अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे मिस हो गई हैं तो उसको आप कवर कर लेंगे। बाकी जो मैंने अभी तक वीडियोस डाले हैं पीएसयू प्रिपरेशन की, वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं अकाउंट्स के। और ये पार्ट 3 है आपका बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ का, तो यहाँ पे आपको पार्ट 3 दे रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे आई बार में मिल जाएगा। सो फुल वीडियो को देखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। यहाँ पे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद मैं बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कोलिनिया में आए थे, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो एक एक करके आइए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ अगर गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, उसको नेक्स्ट टाइम मैं ठीक कर दूंगा। अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं आपको। द एक्ट केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872 एंड अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट आया है 1 सितंबर 1872, पहला क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कई बार कि एक्ट कब आया था, तो 1 सितंबर 1872 पहला क्वेश्चन। दूसरा इस पे बन जाता है कि एक्ट का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका ईयर क्या है। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, दो में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। एंड सेकेंड बात करें यहाँ पे एग्रीमेंट सेक्शन 2E, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि आपको जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे इसी तरीके से आएंगे, तो आपको बस किसका क्या मीनिंग है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेपरेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाया है। सिर्फ यही चैप्टर इसमें बताने वाला हूँ मैं, बाकी मैं निगोशिएबल एंड सेल ऑफ गुड्स एक साथ बताने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आते हैं और वो टॉपिक भी वहाँ पे छोटे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें वॉइड एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज सेट टू बी वॉइड। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सेक्शन 2H है इसका, डिफाइन द टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। तो इस तरीके से आपको ये सारे मीनिंग्स पता होना चाहिए किस चीज़ का क्या है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाई लॉ बिकम्स वॉइड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब मीनिंग है, इसी तरीके से आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव्स और उसमें आपको पूछे जाएंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेक्शन 2I डिफाइंस अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर पार्टीज। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको छोटे छोटे यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है एंड एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वाइड एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इन्फोर्सेबल बाई एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाई लॉ बिकम्स, जिसे हम इन लॉ के द्वारा उसे वाइड हो जाता है। उसके बाद इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजम्बल अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ क्रिएटेड बाई लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। तो इस तरीके से मीनिंग आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द टर्म्स आर एक्सप्रेस बाई वर्ड और इन ए राइटिंग। सो वर्ड और राइटिंग कहीं पर भी वर्ड लिखा होगा सेंटेंस में, तो आप उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे और उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इज इन कंस्टेंट कम इन टू एग्जिस्टेंस बाई इम्प्लीकेशन, मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाई लॉ एंड और बाई एक्शन। सो बाई लॉ और बाई एन एक्शन, ये की वर्ड्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखने हैं हर चीज़ के लिए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रिसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। सो रिसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली एंड देयर फॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्क्राइब एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सो जो कॉन्ट्रैक्ट हम प्रॉमिस
और ऑब्लिगेशन होता है उसको हम फ्यूचर में करते हैं, उसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड है आपका बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इज अ वन साइड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टी ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। मतलब एक पार्टी ने अपना ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया है, सेकेंड पार्टी ने अभी नहीं किया है। बट बायलेटरल में क्या होता है, अ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। सो यहाँ पे बोथ पार्टी में हो सकता है। तो ये इसके मीनिंग है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के दो ही टाइप्स हैं, ए और बी करके भी ऑप्शन आ सकता है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और भी कोई नाम दे देगा, उसके बाद डी ऑप्शन हो सकता है, ए एंड बी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें ऑफर एंड प्रपोजल का। एन ऑफर इज अ प्रपोजल बाई वन पर्सन वेयर बाई द एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू इंटर इंटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इन रिटर्न फॉर प्रोमिस एक्ट फॉर और फॉरबियरेंस। ये इसका मीनिंग हो गया। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में जो है मेन मीनिंग लिखा है, वेन वन पर्सन सिग्निफिकेंस टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस। तो इस तरीके से ये ऑफर और प्रपोजल का मीनिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट्स, द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर कंसिडर टू बी वॉइड, कौन कौन से? तो इसमें आपका सेक्शन जो मैंने लिखा है, क्योंकि सेक्शंस भी कई बार पूछ दिए जाते हैं कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन किस सेक्शन के अंडर आता है, तो इस तरीके से मैंने इसीलिए यहाँ पे पॉइंट और उसके सेक्शन बता दिए हैं। डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक्स को रिफर कर सकते हैं। इफ कंसिडरेशन नॉट ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल इन पार्ट सेक्शन 24, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 25, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड 27, लीगल एंड प्रोसीडिंग 28, अनसर्टेनिटी 29, एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेजर सेक्शन 30। तो इस सेक्शंस को भी आपको ध्यान रखने हैं। अब सभी तो नहीं रख सकते, लेकिन जितना रख सकते हैं उसको जरूर रखेंगे ध्यान में। उसके बाद यहाँ पे बात करें, सेक्शन 25 प्रोवाइड दस एन एग्रीमेंट बी मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एक्सेप्ट इट इज इन राइटिंग और रजिस्टर्ड और इफ इज अ प्रोमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन, इट इज अ प्रोमिस टू पे अ डेट बार बाई लिमिटेशन ऑफ लॉ। इन तीनों को छोड़ के कंसिडरेशन अगर आपका एग्रीमेंट किया जाता है विदाउट कंसिडरेशन तो वो वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेजर सेक्शन 30 प्रोवाइड दैट एग्रीमेंट्स बाई वे ऑफ वेजर आर वॉइड। तो वेजर का सेक्शन 30 है, ये भी याद रखेंगे। देन कंसिडरेशन इज एन इसेंशियल फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एंड दैट इज इट इज रिफर टू एन क्विड प्रो क्रो। तो यहाँ पे ये आता है, इसका भी मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न, यानी कंसिडरेशन का मतलब ये कि समथिंग इन रिटर्न में आ रहा है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन कौन कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट और पास्ट। तो तीन तरीके से होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये इसको आपको ऑप्शन में आ सकता है, एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटेड पास्ट और ऑल ऑफ दीज। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं इससे। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होगा, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्संस आर नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से लोग, पर्सन हु हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब माइनर एज 18 इयर्स ऑफ एज, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन हु इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग बाई सम लॉ। तो इन तीन को छोड़ के लोग हैं जो कैपेसिटी जिनके पास नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रीन में जिन्होंने मैंने बताया उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इससे क्वेश्चन भी आते हैं। एन एग्रीमेंट विथ अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, एन एग्रीमेंट विथ अ माइनर डैश वॉइड एब इनिशियो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसमें और भी ऑप्शन होंगे, वॉइड वॉइडेबल इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। माइनर इज एन एजेंट, अ माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट बट ही इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर एनी ऑफ हिज एक्ट, तो इसका भी काफ़ी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। उसके बाद बात करें यहाँ पे फ्री कंसेंट, टू और मोर पर्सन आर सेट टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो सेम सेंस पे दोनों
अगर एग्री होते हैं तो फ्री कंसेंट यहाँ पे कहा जाएगा। उसके बाद इसके पार्ट्स कौन से फ्री कंसेंट नहीं कहे जाएंगे। सो पहला है इसमें कॉशन एक्ट, इसमें सिंपल से मैंने जबरदस्ती किसी से कुछ आप गन दिखा के चाकू दिखा के इस तरीके से कभी काम करवा लेते हैं तो वो कॉशन के अंतर आता है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडिशियल ऑफ एनी पर्सन वाट एवर, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी दबाव आप किसी भी तरीके से उस पर बना के कर रहे हैं वो आ जाएगा इसके अंतर्गत। फ्रॉड है यानी किसी तरीके से आप कोई फ्रॉड उनके साथ करके पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ और विदाउट विथ हिज कन्वीनियंस और बाई हिज एजेंट विथ इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, मतलब आपको धोखा ही देना है तो वो आपका फ्रॉड सेक्शन 17-15 इस तरीके से याद भी रखेंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन अ स्टेटमेंट ऑफ ए फैक्ट विच वन पार्टी मेक्स इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन विथ अ व्यू टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन के अंतर आता है जिसको आप गलत बता के उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मिस्टेक मीन्स एन इन एरोनमस बिलीफ अबाउट समथिंग, तो ये मिस्टेक दो तरीके से हो सकता है, मिस्टेक बाई फैक्ट और मिस्टेक बाई लॉ, तो दो तरीकों में इसको डिफाइन नहीं किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 ऑफ दिस एक्ट डिफाइंस द एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाई द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिस हिमसेल्फ और बाई द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका सेक्शन 124 है जो किसी और को प्रॉमिस करता है कि वो उसके लॉस को ध्यान रखेगा, इस तरीके से चीज़ें हैं। आप अपना अच्छे से पढ़िएगा इन सब चीज़ों को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 है, इसका डिफाइन द एक्सप्रेशन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। सो यहाँ पे अगर दो लोग का एग्रीमेंट है वहाँ पे तीसरा कोई गारंटी देता है कि अगर उस अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो थर्ड पर्सन उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा। फिर है कंसिडरेशन फॉर गारंटी 127 सेक्शन है, प्रोवाइड दैट एनीथिंग डन और एनी प्रोमिसेस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशियंट कंसिडरेशन टू द सियोरिटी फॉर गिविंग गारंटी, तो यहाँ पे भी कंसिडरेशन को गारंटी देने के जो कंसिडरेशन ऑफ गारंटी यानी गारंटी दे रहा है उसके पास फुल सियोरिटी होना चाहिए कि वो फुलफिल कर सकता है। बेलमेंट, इससे भी क्वेश्चन को काफ़ी आए थे, लास्ट टाइम दो आए थे। सेक्शन 148 डिफाइंस द टर्म्स बेलमेंट एज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज, एक आदमी दूसरे को गुड्स देता है किसी पर्पज के लिए अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे फेल व्हेन द पर्पज, मतलब उसके लिए कि अगर वो पर्पज उसका फुलफिल हो जाता है तो वो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा जैसा कि डायरेक्टर यानी प्रिंसिपल जिसने उसको सामान दिया उसके हिसाब से, तो वो बेलमेंट हो जाता है, तो ये उसके मीनिंग है। फिर प्लेस की बात करें तो सेक्शन 172 ऑफ सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेस, तो इस तरीके से इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, मीनिंग्स आपको सबके याद रखने हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से उसको पढ़िए एक बार क्योंकि यहाँ से 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एजेंसी सेक्शन 122 प्रोवाइड्स दैट एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट और अनदर फॉर अनदर और टू प्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ द थर्ड पर्सन, तो ये एजेंसी वालों एजेंसी का काम होता है। अब आइए बात कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कितने प्रोबेबिलिटी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखते रहिए बोर मत होइएगा। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन लॉफुल प्रोमिसेस, तो आपको यहाँ पे मीनिंग पता होगा इनफोर्सिएबल बाय लॉ अगर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। देन सेकेंड क्वेश्चन अवॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो आपको ध्यान रखना वॉइड का मतलब ही है कि गलत एक तरीके समझ लो रॉन्ग उसको कर ही नहीं सकते, तो वैलिड बट नॉट इन्फोर्सिएबल, इन्फोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ द बोथ द पार्टी, इन्फोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, तो ये आपका एग्जीक्यूटरी में आता है, तो दोनों
जो आपका बी एंड सी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाई लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और फॉर मोर पार्टीज देयर ऑन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, और तो ये किसका है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको सारा सेंटेंस का मतलब मीनिंग पता होगा तो आप आराम से टिक कर लेंगे। व्हेन द कंसेंट ऑफ ए पार्टी इज नॉट फ्री द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, इलीगल। तो यहाँ पे वॉइडेबल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ नंबर की बात करें, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स द कोलैटरल एग्रीमेंट्स आर वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे वॉइड होगा क्योंकि यहाँ पे इलीगल ही है, तो जो भी इलीगल होगा वो वॉइड हो जाएगा यहाँ पे। देन एन ऑफर में लैप्स बाई रिवोकेशन, काउंटर ऑफर, रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाई को ऑफरी और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑल ऑफ दीज है। तो अगर कहीं पे मेरा मिस अगर मैं कर दे रहा हूँ गलत, अगर मैं सपोज आपको लग रहा है बोल रहा हूँ, तो हो सकता है क्योंकि मैं भी काफ़ी चीज़ें भूल चुका हूँ। मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख के कम से कम मीनिंग आपको पता हो किस चीज़ का क्या है, उसको कर सकते हैं। आप अपने अच्छे से पढ़ाई करिए। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, जब आपको पता है प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो प्रॉमिस हो गया, तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्चुअल, एंटिसिपेटरी, नन ऑफ द अबव और ईदर ऑफ द अबव। सो इसका करेंट आंसर है कि कोई भी हो सकता है। तो ये पूरा आठ मैंने यहाँ पे सैंपल जो है इकट्ठा करके आपको बता दिया। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोल इंडिया की सारी आई हैं पेपर जो मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 था, अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड मे अमाउंट टू कॉर्शन, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, सेक्शन 15 था क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो आया था, 15 नंबर क्वेश्चन था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया हुआ था। यहाँ पे ये फ्रॉड का केस था। वन डूज नॉट बिलीव इट्स अ ट्रू एंड एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाई वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट इज डिफाइंड, मतलब एक को पता है लेकिन फिर भी वो काम करवाता है या करता है तो वो फ्रॉड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 आया था, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन इज कॉल्ड एजेंट। सो ये भी मैंने ऊपर आपको बताया है, तो एजेंट हो गया यहाँ पे 69। उसके बाद क्वेश्चन नंबर था, विच एग्रीमेंट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सो काफ़ी चारों क्वेश्चन अच्छे अच्छे आए थे यहाँ पे, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन ये है पब्लिक पॉलिसी पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन आया था जो था बेलमेंट से, जैसा कि मैंने बताया कि किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन उनको कुछ गुड्स या कुछ भी दिया कि अगर वो वर्क कंप्लीट हो जाता है तो वो उसको वापस कर देगा या फिर वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द जो भी गुड्स जिसने दिया उसके हिसाब से, तो वो क्या होता है, बेलमेंट कहलाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट विथ अ माइनर, देखिए इसमें को भी मैंने बताया था वॉइड एब इनिशियो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने जो दिखाया 27, 28, 129, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन कौन से सेक्शन होते हैं। तो ये सारा सर आपको एक आइडिया मैंने दिया, आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, कैसे पढ़ना है। जो जो चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ उसी दिन आपको पहले ये देखना है, उसके बाद वो चैप्टर उठाइए, आप खुद से भी पढ़िए, वहाँ भी ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से और भी चीज़ें कवर करके एक घंटे में आप उसको फिनिश कर सकते हैं उस चैप्टर को, क्योंकि वहाँ से देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, हो सकता है कोई मैंने मिस भी कर दिया हो इसमें, तो 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आने वाले हैं, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप किस पे आने वाला है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये कवर होने के बाद मैं अकाउंट्स पे आने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं अकाउंट्स भी इसके बाद अपलोड कर दूं, ये दोनों मैं थोड़ा छोड़ दूं क्योंकि यहाँ से एक एक क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं क्या दो, तो टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं नेक्स्ट अब हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप फॉर्म और एडमिशन ऑफ पार्टनर पे वीडियो लेके अकाउंट से आऊँगा, फिर धीरे धीरे कॉस्टिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन पे मैं ऐसे ही चलते रहूँगा। पूरा तो नहीं हो सकता कवर कोल इंडिया के एग्ज़ाम तक, बट जितना हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ऐसे ही लाइक करते रहेंगे तो वीडियोज़ आते रहेंगे और आपको आइडिया लगते रहेगा कि आपको पढ़ना कैसे है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैं यहाँ पे कई पूरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हर एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि
आपको आइडिया देना है, मेरा पर्पस आपको बताना है कि आपको सब कुछ आपके बुक्स में ही मिल जाना है, बस आपको थोड़ा सा रोज आपको ज़्यादा नहीं 2 घंटे देने हैं, बाकी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी। नोट्स भी बनाते रहें साथ में अपने, क्योंकि वो हर PSU का पैटर्न एग्ज़ाम का एक ही होता है, किसी में कॉस्टिंग ज़्यादा होगा, किसी में टैक्स ज़्यादा होगा, जो रेशियो होता है क्वेश्चन का वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन सिलेबस आपका हमेशा यही रहेगा। सो प्रिपरेशन करते रहें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ पाएँ और उनकी भी प्रिपरेशन हो सके। जो भी ये सारे जो मैं बता रहा हूँ सभी पे अप्लीकेबल है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, PSU का, असिस्टेंट का हो, अकाउंट का हो, मैनेजर का हो, ऑफिसर का हो, सारे में ये चीज़ें आती हैं। सो प्रिपरेशन आपको सभी के लिए करना है, एक बार आप प्रिपेयर कर लिए तो आपको सारे एग्जाम में वो काम आने वाले हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो कोई मिस्टेक हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सर, थैंक यू।